दोस्तों नमस्कार, मैं नयन त्रिपाठी एचएम क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? दोस्तों हम लोगों ने कल बात की वाक्य क्या है, वाक्य के अंग क्या है, उद्देश्य और विधेय के बारे में आपको बताया। और उसके बाद मैंने बताया कि वाक्य को कितने आधार पर बांट सकते हैं आप, कितने आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। आपको बताया कि रचना के आधार पर आप वाक्य को बांट सकते हैं और अर्थ के आधार पर बांट सकते हैं। मैंने आपको कल बता दिया था कि रचना के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर वाक्य को कैसे कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि तीन भागों में बांटा गया है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। वहां पे आपको मैंने डिटेल से वर्णन किया उनका। और आज हम लोग देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। हम लोग यहाँ पे सबका वर्णन करेंगे, आपको समझ आएगा कि सब क्या है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई या समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ या टेट या सीटेट कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण वेटेज होता है इन एग्जाम्स में। और हिंदी अगर आप अच्छे रणनीति बना के आपने अच्छे से पढ़ ली, ज्यादा समय नहीं लगता है हिंदी पढ़ने में, आपको 1 से 2 महीने पढ़ने की जरूरत है लगातार। अगर आप 1-1 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी आपकी पूरी एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी, फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे। यानी कि हिंदी तैयार करना, कुछ लोग हिंदी को बहुत नॉर्मली ले लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, फिर वहां पे आधे ही क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आपको यहाँ से पूरे के पूरे प्रश्न सही करना है। और आशा करता हूँ कि आप हिंदी को सीरियसली लेंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करके एग्जाम में जाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। हिंदी बहुत स्कोरिंग विषय है और इसका वेटेज समान होता है। यदि एग्जाम में 50 नंबर की हिंदी आ रही है, 50 की मैथ आ रही है, 50 की जीएस आ रही है, 50 की रीजनिंग आ रही है, तो हिंदी एक ऐसा विषय हो जाएगा वहां पे जिसको आप सिर्फ 2 महीने, लगभग 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और पूरे पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वाक्य का अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार हैं। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको बताएंगे अभी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछना है परीक्षाओं में, ये भी बताएंगे और सबका एक एक करके वर्णन भी करेंगे। तो हम लोग एक एक देखेंगे, 8 प्रकार बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। आपको यहाँ पे कुछ चीजें पहले से ही पता होंगी, जैसे आप प्रश्नवाचक वाक्य देख रहे हैं तो आपको यहाँ पता होगा, आप यहाँ पे नाम से जान जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य होगा। अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 1, 2, 3, 4 और पूछा जाए कि वह क्या कर रहा है, और 4 ऑप्शन दिया जाए, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, तब आप समझ जाएंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन कुछ आपको समझाना बहुत जरूरी है, हम सारे समझाएंगे यहाँ पे, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। दोस्तों विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य आप मान लीजिए इंग्लिश का असर्टिव सेंटेंस है। विधानवाचक वाक्य इंग्लिश का असर्टिव सेंटेंस है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इनमें इसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तथा कोई ना कोई जानकारी प्राप्त होती। किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा और कोई ना कोई जानकारी भी दे सकता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे किसी कार्य का होना बताया गया, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे किसी कार्य का होना बताया गया है। तुम क्रिकेट खेलते हो, यहाँ पे किसी कार्य का होना बताया गया है या करना बताया गया है। भारत एक देश है, यहाँ पे जानकारी बताई गई, भारत एक देश है, क्या दिया गया, जानकारी दी गई। दशरथ अयोध्या के राजा थे, जानकारी दी गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जानकारी दी गई। तो विधानवाचक वाक्य आप कैसे पहचानेंगे, वहां पे कोई कार्य करना या होना बताया जाएगा या फिर कोई ना कोई जानकारी दी जाएगी। तो जानकारी दी गई है, मैंने 2 उदाहरण आपको दिए जानकारी से रिलेटेड, 2 उदाहरण दिए कार्य करने या होने से रिलेटेड। ठीक है, और
परीक्षा में यहाँ से इसी प्रकार से प्रश्न आता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है में कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य? तब आप बताएंगे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है में विधानवाचक वाक्य होगा। प्रश्न आएगा भारत एक देश है में कौन सा वाक्य होगा? तब आप बताएंगे भारत एक देश है में विधानवाचक वाक्य होगा। आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं, अगला है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंस, इसमें नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है, अर्थात कार्य न करने का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग हो या ऐसा उससे अर्थ निकले कि उसमें कार्य नहीं हो रहा है उस वाक्य में, तब आप क्या कहेंगे? वो निषेधवाचक वाक्य। उदाहरण से समझेंगे क्योंकि हिंदी में उदाहरण से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। रमेश ने दूध नहीं पिया, यहाँ से कार्य न करने का बोध हो रहा है। रजत ने खाना नहीं खाया, यहाँ पे कार्य न करने का बोध हो रहा है, इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं नहीं आ रहा है। सुरेश विद्यालय नहीं जाता है, तो यहाँ पे नहीं जाता है आ गया, इसलिए यहाँ पे नकारात्मक बात हो गई, कार्य न करने की बात हो गई। माता जी खाना नहीं बना रही है, नकारात्मक बात, कार्य न करने की बात। और फिर घर पे मम्मी गुस्सा हो जाएंगी तो खाना नहीं बनाएंगी, तो वो नकारात्मक बात हो गई। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है। आपको ये याद रखना है जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। राम के पिता कौन है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। और अंत में क्या लगेगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे ये तो आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहचानने का ट्रिक बताया गया है कि बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह। दोस्तों अगला है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें किसी कार्य की आज्ञा दी जाती है, जैसे बैठिए, उठिए, चलिए, तो ये आज्ञा देना। आप किसी को जब आज्ञा देते हैं वैसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। जैसे राशन की दुकान से 2 किलो चीनी ले आओ, कहाँ गया है? यानी कि इसमें आज्ञा दी गई है कि राशन की दुकान जाओ और वहां से 2 किलो चीनी लेकर आओ, ऐसे ही तुम अपना पाठ याद करो। तो इसमें आज्ञा दी गई है कि तुरंत अपना पाठ याद करो, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें आज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य में क्या होता है। ये इंग्लिश का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें आश्चर्य, क्रोध, हर्ष आदि वाक्यों को व्यक्त किया जाता है। जैसे शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, छी छी, आप इतना गंदा पानी पीते हैं, ओह कितनी ठंडी रात है, यहाँ पे आश्चर्य, क्रोध, हर्ष आदि व्यक्त किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप इंग्लिश में अगर पढ़े होंगे, और हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे शाबाश, छी छी, ओ और विस्मयादिवाचक, विस्मयादि सूचक चिन्ह बना होता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह कैसे बनता है? ऐसे आपको अगर ऐसे दिखाई दे जाए, आपको अगर ये चिन्ह दिखाई दे ये किसी भी वाक्य में, तो वो होगा विस्मयादिवाचक वाक्य। ये है विस्मयादि सूचक चिन्ह, आप इसको याद रखिएगा, ये किसी भी वाक्य में आता है तो वो होगा विस्मयादिवाचक वाक्य। और ऐसे भी आप जान सकते हैं कि इसमें आश्चर्य, क्रोध, हर्ष व्यक्त किए जाएंगे। जैसे शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, छी छी, आप कितना गंदा पानी पीते हो, ओम कितनी ठंडी रात, आहा कितना अच्छा मौसम। ठीक है, समझ गए आप। अब देखेंगे हम लोग इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा व्यक्त की जाती है, और मेरी इच्छा आपके लिए ये है, मैं अपनी इच्छा आपके लिए व्यक्त कर रहा हूं, भगवान आपको दीर्घायु दे।
भगवान आपको दीर्घायु दे, यानी कि मेरी इच्छा यह है कि आपकी उम्र लंबी हो। मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है आपके लिए। तो इच्छा वाचक वाक्य में क्या होता है, किसी कार्य के पूरा होने की इच्छा व्यक्त की जाती है। मेरी इच्छा यह है कि नव वर्ष मंगलमय हो। मेरी इच्छा यह है कि भगवान करे आपका चयन हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए। ये क्या है, ये मेरी इच्छा है किसके लिए, आपके लिए। तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इच्छा वाचक वाक्य। आशा है आप समझ गए होंगे तीनों उदाहरण। दोस्तों संकेत वाचक वाक्य अगला देख लेते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है इसमें संकेत का बोध होता है। राम का मकान इधर है, यानी कि आप बताएंगे कि राम का मकान इधर है। ऐसे ही सोनू उधर रहता है, आप संकेत से बताएंगे कि सोनू उधर रहता है, मतलब आप जब बताएंगे तो संकेत का बोध होगा। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, संकेत कर रहा है कि अगर वर्षा होती है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेत कर रहा है। तो ऐसे जो ऐसे वाक्य जिनमें संकेत का बोध हो जाए उन्हें कहते हैं संकेत वाचक वाक्य। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का अंतिम प्रकार। अंतिम प्रकार देखते हैं संदेह वाचक वाक्य। यहाँ पे संदेह का बोध होगा, यानी कि हो सकता है उसका भी पुलिस में चयन हो जाए। आप कंफर्म नहीं कह सकते उसके बारे में कि उसका पुलिस में चयन हो जाएगा, लेकिन आप संदेह कर सकते हैं, यानी कि गेस कर सकते हैं। यहाँ पे संदेह से तात्पर्य ये हुआ कि आप गेस कर सकते हैं कि उसका चयन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है उसका भी पुलिस में चयन हो जाए। तो यहाँ पे संदेह होता है, जरूरी नहीं कि हो जाए, हो सकता है हो जाए। ऐसे ही हो सकता है इस बार तुम कक्षा में प्रथम आओ, कक्षा में प्रथम आओ, इसमें संदेह है, जरूरी नहीं कि आ ही जाओ प्रथम, हो सकता है कि प्रथम आओ। वह अब जा चुका होगा, जरूरी नहीं है कि वो चला ही गया हो, जा ही चुका हो, लेकिन अभी संदेह किया जा रहा है कि वह अब जा चुका होगा, वह अब खा चुका होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो खा ही चुका हो, लेकिन संदेह किया जा रहा है कि वह अब खा चुका होगा। तो संदेह वाचक वाक्य इसी प्रकार के आपको उदाहरण मैंने बताए हैं, और इसी प्रकार के उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें 100% बात कंफर्म नहीं होती है, सिर्फ संदेह होता है या कोई बात गेस की जाती है कि ऐसा हो सकता है। आपको याद रखना है इस प्रकार के वाक्य में। यहाँ से प्रश्न भी बहुत आते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। तो इसमें पहली बात आपको याद रखनी है कि इसमें संदेह का बोध हो सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति गेस कर सकता है कि वो होगा कि नहीं होगा, तुम पास होगे कि नहीं होगे, ये गेस करना भी कह सकते हैं आप, और संदेह करना भी कह सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को संदेह वाचक वाक्य कहेंगे। दोस्तों आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें बता सकते हैं। आज वाक्य कंप्लीट हुआ, वाक्य चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, पार्ट वन से लेके पार्ट टू तक पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि कन्फर्म होते हैं। दोस्तों एक ग्रुप मैंने टेलीग्राम पे बनाया है, वहां पे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, PDF दिए जाते हैं, YouTube क्लास का लिंक दिया जाता है, और भी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कोई प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, आप UP दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आज मैंने UPSI का प्रीवियस ईयर का पेपर डाला है। ऐसे ही तमाम परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपर डाला करूंगा, और क्लास नोट्स भी आपको वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पे मैं नई नई चीजें डाला करता हूँ, और रिविजन के लिए जैसे संज्ञा मैंने डाला है आज, वहां पे आप संज्ञा रिवाइज कर सकते हैं, लिख के डाला है, और क्लास का लिंक भी दिया है। आप चाहे तो पहले क्लास देखें फिर उसको रिवाइज करें, जो मैंने लिख के दिया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। और कुछ लोग जो कहते हैं कि सर UPSI का स्पेशल तैयारी कराइए या TET की स्पेशल तैयारी कराइए, तो मैं आपको बता दूं आप पहले ये वाला कम्प्लीट कर लीजिए, फिर जैसे ही फॉर्म आएगा या उससे कुछ दिन पहले मैं स्पेशल बैच लेके आऊंगा आपके लिए। और हिंदी से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी में आप पूरे पूरे मार्क्स लेके आएंगे, हिंदी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराई जाएगी, और इसका स्टैंडर्ड बताया ना मैंने,
आप ये मत सोचिए कि आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड आप समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हो या खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हो। क्लास में आपको सब कुछ बताया जाएगा जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पे यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आप कोई लेवल इसका तय मत करिए कि ये कांस्टेबल लेवल का है कि समीक्षा अधिकारी लेवल का है, खंड शिक्षा अधिकारी लेवल का। आप बस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं जब आपके लिए स्पेशल बैच के लिए हिंदी पढ़ाऊंगा, मान लीजिए टीईटी का स्पेशल बैच पढ़ाता हूँ, यूपीएसआई का स्पेशल बैच पढ़ाता हूँ, तब मैं आपको उसके उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। अभी मैं हिंदी का बढ़िया विस्तृत अध्ययन आपको करवा रहा हूँ। आप इसको करेंगे, फिर आप जब वो वाली क्लासेस लेंगे तो आपका रिविजन बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। आपको बहुत तब आपको बहुत आसानी के साथ कम समय में बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ सकेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये क्लास हुआ करते हैं। धन्यवाद।